जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, ये भाई दूज के दिन का ब्लॉग है और मैंने उस पिछली वीडियो में बताया था कि हम कहीं जाने वाले हैं। तो हम भाई दूज मनाने के बाद आ गए थे हरिद्वार में, और यहाँ तक हम रिक्शा में आए, और यहाँ से आगे की यात्रा होगी पैदल। तो ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से हम चलेंगे माँ मनसा देवी के धाम, और इस बार करेंगे पैदल यात्रा। मैं इससे पहले 2 बार गई थी, लेकिन तब हम ट्रॉली से गए थे। मतलब पैदल जाने की मेरी इच्छा थी, लेकिन तब पीयू बहुत छोटी थी, और जब पहली बार गए तब गौरव छोटा था, तो इसलिए हम पैदल नहीं गए थे। इस बार हम जा रहे हैं पैदल। और यहाँ देखिए, मार्केट इतना सजा हुआ, यहाँ माँ का श्रृंगार का सामान और भी सामान मिलता है, और इतना अच्छा मार्केट सजा हुआ था। तो हम पैदल जा रहे थे। यहाँ पे तो सीधा है, यहाँ पे चढ़ाई नहीं है, काफ़ी आगे तक ये मार्केट है। बहुत ही खूबसूरत मार्केट, देखिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ, बट हमने लिया नहीं। हम जा रहे थे तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शूट किया, और सीधा जा रहे हैं, और थोड़ा आगे चल लेंगे। उसके बाद सीढ़ियाँ होंगी, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर चढ़ाई होगी ऊपर। और ये देखिए कितना अच्छा सामान, बहुत अच्छा सामान मिलता है यहाँ। महंगा है, महंगा तो है, क्योंकि मेन हरिद्वार में है ना, यहाँ बाहर से, दूसरे राज्यों से, यहाँ तक कि गर्मी में दूसरे देश से भी लोग आते हैं। और कुछ कुछ सामान महंगा है, कुछ मतलब ठीक ठाक ही है कुछ कुछ। तो बस ऐसे ही देखा था, लेकिन लिया नहीं। और अब हम लग गए थे ऊपर चढ़ाई में, और घर से जा रहे थे, मैं बहुत ठंड लग रही थी, स्वेटर वगैरह पहन ली थी, लेकिन यहाँ चढ़ाई में धूप थी और इतनी गर्मी हो रही थी, तो सबने अपने स्वेटर निकाल के बैग में रख ली थी। बल्कि मैंने पीयू वालों की नहीं निकाली, छोटे बच्चे हैं तो हवा लग जाएगी। और जा रहे थे हम माता का गुणगान करते हुए, कहीं पे तो देख थकान के हो रही काम तो चला बैठते हैं, ले। मतलब मजा ही कुछ और होता है पैदल चलने में। और जो हमें घर में दुख परेशानी टेंशन होते हैं नहीं, सब दूर हो जाते हैं। कुछ पल के लिए लगता है कि मतलब हम कहाँ आ गए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और खाना हम घर से ले गए थे, बहन के घर से छोला पूरी ले गए थे, बच्चों के लिए कुछ टॉफी वगैरह भी लेके गए थे। और नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा भूख लगती है, खाना वैसे मिल जाता है लेकिन अच्छा नहीं लगता हमें बाहर का खाना। रास्ते में भी कई जगहों पे बैठे हैं, चाट वाले या कुछ ठंडा पानी वाले, नींबू पानी वाले, मतलब बहुत सारे बैठे रहते हैं, लेकिन हम घर से ही सब कुछ ले गए थे। और यहाँ बीच में से मैंने आधा रास्ते से नीचे की वीडियो बनाई, ये है हरिद्वार का नज़ारा। बहुत सारे पेड़ हैं, पूरा नहीं दिख रहा है, और जैसे ट्रॉली में जाओ तो वहाँ से पूरा हरिद्वार का नज़ारा इतना खूबसूरत दिखता है, इतना खूबसूरत दिखता है। तो हम पैदल जा रहे थे, आगे से पेड़ भी लग रहे हैं, इसीलिए पूरा नहीं दिख रहा है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और ये दूसरा रास्ता मैं दिखा रही थी, एक पैदल का रास्ता ये भी है, देख लीजिए आप सामने, यहाँ से भी कितने लोग जा रहे हैं। ये देखिए सामने, ये भी माँ मनसा देवी के मंदिर में जा रहे हैं। तो पैदल के 2 रास्ते हैं, और भी रास्ते होंगे लेकिन मुझे 2 पता है। तो इस वाले से रास्ते से भी भीड़ थी, जो सामने वाला था। और जा रहे थे, कहीं पे थकान हो रही, बैठ रहे थे, मतलब बहुत ही मजा आया, बहुत आनंद आया। और गाइज, मैं इस वीडियो के 2 पार्ट करूँगी, क्योंकि वीडियो लंबी होगी। ये वाली तो सिर्फ जाने की होगी, और ऊपर माँ की मंदिर की मैं जो वीडियो है वो कल डाउन वो करूँगी, अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो 2 पार्ट करूँगी। आप लोग देखिए, और घर बैठे माता रानी के दर्शन कीजिए। और कभी आप लोग हरिद्वार आएंगे तो पक्का माँ मनसा देवी के दर्शन करने जाएंगे, ज़रूर जाइएगा। माँ जो है सबकी मुरादें पूरी करती है, जो भी मन्नत मांगोगे वो पूरी हो जाती है। मैं इस बार तीसरी बार गई हूँ, मतलब कितनी भी बाहर चले जाओ ना, मतलब मन ये होता है कि फिर जाएँ फिर जाएँ। मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कहीं जाओ कि हम जा रखे हैं वहाँ। तो ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और हमने बहुत सारे, जैसे माँ का प्रसाद वाले बहुत सारे लोग, श्रृंगार का सामान वाले रास्ते में मिलते हैं, लेकिन हमने कहा कौन यहाँ से हाथ में ले गया था, हमने ऊपर मंदिर के ही बाहर में लिया था चढ़ावा के लिए प्रसाद। जय माता दी, यहाँ पे जा रहे थे, जय माता दी जय माता दी बोलते बोलते। जय माता दी बोलो, हैप्पी रहो, सारे बोलो, सारे बोलो, जय माता दी, मिलकर बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, अभी चढ़ रहे हैं चढ़ाई, और
गौरव को बिल्कुल थकान नहीं हो रही। गौरव और समर आगे आगे जा रहे हैं। गौरव आराम से, इतना क्यों भाग रहे हो, आराम से आ जाओ। थकान होती है इसमें। अभी कितने दूर चले गए वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों। दौड़ो मत, आराम से चलो। ले लो लेमन सोडा, सिकंजी, जलजीरा, ठंडे पानी का बोतल ले लो भैया।